रामनवमी दीर्घ दुई वर्ष पर एथर धूमधाम रामनवमी पालन करिबार सुजोग पाइछंती श्रद्धालु। एहि अवसर भुवनेश्वर राम मंदिर समेत विभिन्न स्थान में व्यापक आयोजन करा जायछि। श्रृंखलित दर्शन नहीं व्यापक सुरक्षा व्यवस्था होइछि। राम मंदिर में सकाळ 4:30 रु द्वार फिटा 5:00 सकाळ धूप पर प्रभुंकर श्रृंगार बेशरे सुसज्जित होइछंति। 7:00 भक्तंकर दर्शन आरंभ होइछि। अधिक आलोचना करिबा पई आम सहित अछि राम मंदिर परिसर अश्विनी साहू मोर सहयोगी। अश्विनी, राम मंदिर रे आज रामनवमी पालन करा जाउछि, तबे दुई वर्ष पर भक्त माने जे सुजोग पाइछंती केमती देखुछंती वर्तमान परिसर एवं जो प्रभुंकर नीतिकांति होई सारिछि वर्तमान केमती चालिछि मंदिर रे कोन नीतिकांति चालिछि? निश्चित भाव में स्वाति आपंक मुझे देखा चाहिए दीर्घ दुई वर्ष कोरोना कटकणा चली जाए दुई वर्ष पर आम राम मंदिर परिसर में आज रामनवमी ये हूँ दृश्य कैमेरामैन को कह प्रभु श्रीराम आज जो भव्य दृश्य रही दर्शन करने को बर्तमान भक्तों भितर प्रबल आग्रह देखाई सका प्राय 4:30 द्वारपिटा नीति होता सका 5:00 सुधा प्रथम ठाकुर प्रथम नीति पर सकाळ धूप सरिबा परे परे दर्शन आरंभ होइछि एवं सकाळ परठारु एही दर्शन जारी रहिछि। 7:00 पूर्वरु प्रथम पहड़ सरिथले एवं वर्तमान आपण जो दृश्य देखुछन्ते एटा होउछि प्रथम सिंगारर परवर्ती दृश्य। धीरे धीरे समय बढ़ुछि भक्तमानंकर संख्या मध्यम बढ़िबार लागिछि तेणु आज दिन तमाम राम मंदिर परिसर रे कार्यक्रम रहिछि। आशा करा जिवो जे निश्चित भावरे भक्तंक संख्या आगको आहुरी बढ़िबो एथिपई राम मंदिरर परिचालना कमिटी मध्यम व्यापक आयोजन करिछन्ति। अश्विनी जहाँ आपण देखाउछन्ति जदि भक्त मानकर आमे प्रतिक्रिया नेबा केमती देखुछन्ति जेहेतु दुई वर्ष परे आमे मंदिर रे आसीछन्ति समस्त भक्त माने एवं प्रभु को देखिबार सुजोग पाइछन्ति। निश्चित भावरे भक्त मानक भितरे प्रबल आग्रह देखा मिली मुझक जड़े अणओिया भक्तों सहित साक्षात करने को चाहिए से आपण रामायण जानी आज से आताण रामनवमी उपलक्षे से यहाँ ठाकुरों ठे समर्पण कर प्रतिक्रिया नवा माँ आप इस दिन क्यों चुने सीतायण को लोकार्पण कर आज से सुंदर दिन तो कोई हो ही नहीं सकता। रामनवमी से अच्छा दिन जिसे प्रभु राम का जन्म हुआ था एक नई शुरुआत के लिए जैसे नववर्ष मानते हैं ना ये चैत्र मास की ये नया वर्ष की शुरुआत एक नई ऊर्जा के साथ नई एनर्जी के साथ हम ये चाहते हैं पूरे भारतवर्ष में माँ सीता की एक नई छवि जिसे हम प्रस्तुत करना चाहते हैं सीतायण सीता की अनकही कथा के द्वारा। निश्चित रूप से हम रामायण से परिचित थे पर सीतायण हमारे लिए कुछ अनोखा कुछ नया लेके आएगा और हम भक्तों के साथ बात हमें कि भक्तों सहित कथा को चेष्टा करवा बर्तमान सका आलती सरी आलती दर्शन कर जन भक्त भाई आप सका के आसते दर्शन करने को आज दर्शन केमी रहा आम 6:00 बेले आसलु 6:00 बेले आसी आरती एवं हनुमान जी का दर्शन कलु रामनवमी एवं दुनिया को समस्त दुनिया मंगल कामना करी निजर मंगल कामना करी आम बर्तमान जाऊँ एवं ता संगे आम बहीटी को आज मध्य उन्मोचन कलु बर्तमान समस्त मुहर से गोटे कथा साथी बर्तमान आम निजर मंगल कामना करने सहित विश्वर मध्य मंगल कामना करूँ आम आउ कि भक्तों प्रतिक्रिया नवा भाईना आपण आज रामनवमी दर्शन करने को आसे दिन कोरोना कटकणा हटिया पर दर्शन केमी लगे आपको बहुत ही भल लगा शेष वर्ष आसीलु ये बंद था तो बाहर ही दर्शन करके पड़ता एत दिन पर प्रभु को देखा कर बहुत ही आनंद लगे स्वाति ये केवल जड़े दुईज भक्तों कथा नुह बर्तमान आमर रामनवमी स्वतंत्र व्रत रखि महिला लंबा धाड़ी लगी सका सका हनुमान चालीसा ठारु आरंभ करके रामचरित मानस पारायण पाठ कर समय बढ़िया सहित मुझक देखी से दृश्य बर्तमान आउ कि समय पर आमर पारायण आरंभ हो रामचरित मानस पारायण से व्रतदारी प्रस्तुत हो गले आउ कि समय मुझको जो दृश्य देखा बर्तमान क्यमेर से ही दृश्य हूँ से व्रतधारी आउ कि समय पर आम पारायण आरंभ हम और आज दिन यहाँ एक बड़धरण आयोजन तमाम सुरक्षा व्यवस्था भितर श्रृंखलित दर्शन
ଇଆରି ଉପରେ ପୁରା ଫୋକସ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜି ରାମ ମନ୍ଦିରର ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପରିଚାଳକ ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜାଣିବା ଯେ ଆଜିର ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ରହିଛି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆଜି ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ଏଇ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାଯାଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପୂର୍ବକ କେମିତି ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସମସ୍ତ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ତା ସହିତ ଆମର ପାରାୟଣ ଆଠଟାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇ ବାରଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, ବାରଟାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଳତି କରାଯିବ। ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲିଛି ଏବଂ ସୁରୁଖୁରୁରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି। ନୀତିକାନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଶ୍ୱିନୀ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମସ୍ତ ଚିତ୍ର ଦେଖିଥିବାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ନେବା ଆପଣଙ୍କଠାରୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପରିସର ଚିତ୍ର। ଆଜି ରାମନବମୀ ଅବସରରେ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଭକ୍ତମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଗହଳି ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।